हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब खबर गुरुग्राम से, जहां पक्षियों को अब नया आशियाना मिल पाएगा। दरअसल अब जो पक्षी है उनके लिए नए आशियाने की तलाश कर ली गई है। गुरुग्राम में पक्षियों के अस्पताल को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, जहां पक्षियों को निःशुल्क इलाज किया जाता था। इसी को लेकर जिला उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर आदेश जारी किए कि नए अस्पताल के लिए जगह निश्चित करके तुरंत अस्पताल के लिए जगह मुहैया करवाई जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीमार पक्षियों को अस्पताल में इलाज के दौरान रखा जाता है। जिला उपायुक्त के आदेश पर पशुपालन विभाग ने इस संस्था को 3 जगह दिखाई है। पूरी प्रक्रिया में पशुपालन विभाग को भी शामिल किया गया है और विभाग को आदेश जारी किए गए हैं कि पक्षियों के लिए सहायता संस्था दी जाए। वहीं पशुपालन की विभाग की तरफ से जल्द अस्पताल की साइट को भी शुरू किया जाए। जल्द ही जो आज के दिन हमारा एक बड़ा ही यूनिक यहाँ का गुरुग्राम का पूरे क्षेत्र का एक बर्ड हॉस्पिटल है, तो बड़े ही वो एक रेयर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जो इजीली नहीं मिल पाती, और ऐसे एक जीव समूह के लिए जिसका बहुत ही एक रेयर ही ऐसी सर्विस मिलती है। तो अकॉर्डिंगली यही एफर्ट है कि कोई बेटर स्पेस, एक ज़्यादा स्पेस जहाँ पे ज़्यादा वो ट्रीटमेंट कर पाएँ। उनका कोई अगर किसी भी हीट स्ट्रोक होता है या कोई और परेशानी होती है, या आज के दिन जैसे पॉल्यूशन का स्तर है उससे कोई परेशानी है, कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसका ध्यान रख पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर लोकेशन हो, बेहतर और बड़ी जमीन अपनी जमीन हो उसमें इनको देखेंगे।